कैसा रहेगा आज का दिन, क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या यही सवाल आपको भी करते हैं परेशान। 18 अप्रैल बुधवार, शनि वक्री हो रहा है धनु राशि के अंदर और शनि का ये वक्री होना 142 दिन तक रहेगा ये, और इसके वक्री होने से किसी राशि पे कम और किसी राशि पे ज्यादा असर पड़ेगा। और जिन राशियों पे शनि की साढ़े सती और शनि की दहिया लगी हुई है उनके लिए यह समय थोड़ा कष्टकारी भी रहेगा। इस समय के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा अपना धैर्य रखें, पेशेंस रखें। शनि ऐसा नहीं है कि सबके लिए बहुत सारी मुश्किलें लेके आएगा, शनि बहुत सारे फल भी लेके आ रहा है। आइए देखते हैं, जानते हैं कि ये शनि किस राशि के लिए क्या असर लेकर आ रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए तो शनि जो है वक्री हो रहा है और वक्री होने के साथ साथ उनकी तो बल्ले बल्ले कर दी इसने। और मिथुन राशि के अंदर आप देखिए, जब शनि वक्री होगा तो इनके हर जगह मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, शनि जब वक्री हो रहा है मिथुन राशि के अंदर तो ये गोचर से सातवें भाव में आ रहा है, और गोचर से जब सातवें भाव में आता है तो हर तरीके की प्रोग्रेस और तरक्की लेकर आता है। जिनकी भी मिथुन राशि है इनको हर जगह सफलता मिलती है, इनका मान सम्मान बढ़ता है, इसके साथ साथ इनको ऐसे नए शुभ समाचार भी मिलते हैं जिसकी इन्हें अपेक्षा भी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इनको पारिवारिक रूप से भी आ सकती है, वैवाहिक रूप से भी इनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और प्यार मोहब्बत और पारिवारिक संबंधों के अंदर इतना एग्रेसिव नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। शनि गुस्सा दिलाएगा आपको, लेकिन उस गुस्से को काबू रखना धैर्य के साथ में। फिर देखिए, आपको शनि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा इस बार। 142 दिन तक आप खूब मौज करेंगे। इसके लिए शनि की जो थोड़ी बहुत तकलीफ आपको मिथुन राशि वालों को देगा, वो उसके लिए कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रयोग करना है कि आपको अपने मध्यमा उंगली के अंदर शनि वार को काले घोड़े की नाल से बनी हुई बिना जॉइंट की अंगूठी को धारण करना है। जब आपने काले घोड़े की नाल पहन ली और फिर देखिए आप उस अंगूठी के बाद में आपको शनि अपना असर दिखाना शुरू करेगा और आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जो लाभ दे रहा है वो अंगूठी पहनने के साथ ही डबल लाभ देने लगेगा।